मत ध्रुव प्रहलाद की मत अज तक भी सतगुरु जी प्रेरणा देंदे ऐसी मत ग्रहण करो भाई। ऐसे पुरशां की संगत जिन्हां की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच है सनातन मत तो लैके साधु महात्मा भगतां की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच है ये सारे एक धर्म नाल संबंधित नहीं सन। सिख धर्म के गुरु साहिबां की बाणी है कुछ गुरसिखां की है बाकी तो भाई होर धर्मां नूं मन्नण वाले गुरसिखां दे रब्बी प्यार विच रंगियां होईयां रूहां जिहड़ियां सन उन्होंने अंदरों प्यार दे निकले हुए बोल कढ़े आ गुरु साहिबां ने गुरबाणी विच लिख दिते। रब्बी प्यार विच अंदरों जां करे दे विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया जिन्हां दे अंदर प्रेम दा अंदर परमेश्वर दा विश्वास बज गया उन्हां दे अंदरों तत ज्ञान ज्ञान पैदा होया उन्होंने ज्ञान लोगों नूं बख्शिया। ज्ञान किते बाहरों ग्रंथ पढ़ के नहीं मिलता ग्रंथ ज्ञान किते स्कूलों यूनीवर्सिटियां भी जाके नहीं मिलता ज्ञान तो मनुख के अंदरों पैदा हुंदा गल तो सिर्फ मन दे विश्वास बजण दी है जिहदा विश्वास बज जांदा उहनूं अंदरों ही ज्ञान पैदा हो जांदा। यह सारे भगतों के अंदरों बाणी उठी है इन्होंने बाहरों बाणी नहीं लिखी तो उही मत पहला महात्मा दिंदे रहे उन्हां तो बाद होर बड़े धर्म चले कलयुग दे विच गुरु नानक साहिब जी का आना द्वापर युग दे ब्यास जी उन्होंने अपनी भविख दे विच अज तो 5000 साल पहला गुरु नानक साहिब जी दे आउण दा समां लिख दिता सी कि गुरु नानक साहिब आप नारायण कलाधार जग में परवरियो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो। निरंकार जी गुरु नानक का स्वरूप धारण करके दुनिया में आउणगे और दसां रूपां विच संसार विच विचरणगे जिहड़े भावना नाल दर्शन कर लैणगे उन्हां दा भला होजूगा। ग्यारहवां गुरु जिहड़ा होवेगा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का भी भविख्त लिखिया उन्होंने ग्यारहवां गुरु जिहड़ा होवेगा मौनी होवेगा बचन नहीं करेगा। जे कोई भावना रहत भावना वाला पुरख होवेगा प्रेम वाला होवेगा गुरु ग्यारहवां गुरु उहदे नाल बचन भी करेगा कीते ने बचन भावना वाले गुरमुखां दे नाल जिन्हां दी याद मनाउण वास्ते बैठे हो उन्हां दे गुर भाई बाबा जवंद सिंह जी कदी किसी नूं समां मिलिया होवे। राजा सांसी एयरपोर्ट के अंदर एक जगह बनी हुई है संत बाबा जवंद सिंह जी राजा सांसी वाले इन्हां दे गुर भाई सन बाबा आया सिंह जी महाराज के सेवक सन। मन की भावना बना ली जे पत्थर तन्ने दा रोटी खा सकता तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज भी रोटी खा सकते हैं। अज बहुत लोगों संसा है बहुत ग्रंथ मनते हैं गुरु नानक का स्वरूप नहीं मनते जिन्हों ब्यास जी ने लिखा ग्यारहवां गुरु होवेगा मौनी होवेगा। गुरमुखो भावना वालिया हुण भी गुरु हाजिर है जिन्हां दी भावना उस वेले भी नहीं प्राप्ति कर सके उस वेले भी हाजिर गुरुआं तो कुछ नहीं लै सके बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े बंदगीवान पुरश भी उस वेले फेल हो गए। हमजा गौस वर्गे पीर सियालकोट दे रहण वाले जिन्हां दा बचन चलदा सी जिन्हां दा शब्द भी जागिया होया सी किसे गलती कारण गुरु नानक साहिब जी महाराज दे चरणां विचों उस वेले समा लंघ गया खुंझ गया फिर समा पा के हमजा गौस नूं सतगुरु जी समत दित्ती फिर मुड़ के उन्हूं समा बख्शिया भाई द्वारा फिर इस तो शुरू कर अपनी बंदगी। बली कंधारी वर्गे भुल गए काजी जीवन वर्गे काजी काजी जीवन वर्गे रुकन दीन वर्गे गुरु नानक साहिब जी नूं पहचान नहीं सके। हाजिर गुरु नूं कहड़ा सारी दुनिया पहचान सकी है। बाबा जवंद सिंह जी भावना रख ली तन्ने वाली भावना रख लीए पत्थर तो ना बोलता है ना चलता है ना हिलता है पत्थर विचों भगवान निकल के रोटी खा गया गुरु ग्रंथ साहिब जी विच लिखिया होया मिले प्रतख गसाइया तन्ना बडभागा ये सामने प्रतख हो के रब मिलिया जट नूं मिलिया गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया जट हुंदा भी हठिया उहदी भावना भी एड्डी वड्डी सी कि उहने रोटी खिला दित्ती विचों भगवान निकलिया है गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया। बाबा जवंद सिंह जी बाबा आनंद सिंह जी दोए महापुरश नानकसर वाले तो बाबा जवंद सिंह बाबा ज्वाला सिंह जी के गुर भाई
ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਪੋਕੀਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਖਾਇਓ ਨਾ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੱਪੜੇ ਕਰਵਾਈ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਾਇਆ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਆ ਮੂਹਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਲਾਵੋ ਜੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੂੰਗੇ ਤਾਂ ਛਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਨਿਟਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਉਸੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਰਵਾਂ ਗੁਰੂ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਿਆਰਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮੋਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੋਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮੋਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੋਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਲਓ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਧੰਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਖਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੰਗ ਲਓ ਜਾਣ ਆਉਣਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਆਉਣਗੇ ਮੇਰਾ ਬਿਰਲਾ ਬਿਰਲਾ ਚਲਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਧਾਰਨਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਠੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਖਾ ਤੋੜਿਆ ਪੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਧਾਰਨ ਆ ਪੱਠੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਢੇ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਾਹ ਦੀ ਤਿੜ ਪੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂੜੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂੜੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਵਾਹ ਦੀ ਪੁੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਧਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ
कहिंदे उह देवते सन तिन्ने ही साडा सुनेहा लै के आए सन निरंकार जी का। भाई जगह नूं लिपो, तैयारी करो, सारी संगत नूं दसो कि असी शरीर छड्ड जाणा, असी अपना शरीर अलोप कर जाणा। जिहड़ा शरीर परमेश्वर दा ही होवे उह जिथे मर्जी पैदा कर लवे, जिथों मर्जी अलोप कर लवे। ना गुरु नानक साहिब का संस्कार होया, ना उन्हां दे पुत्रां दा होया। जिदा शरीर आए सी ऐसे तरह शरीर अलोप कर गए। जिहड़ा शरीर संस्कार ही नहीं होया, जिथों मर्जी खड़ा हो जाए, जिथों याद करोंगे उत्थे ही खड़ जूगा वह। उस वेले सारी संगत दे मन दे अंदर ऐसा दुख होया, विच विच संगतां ताहां मारन लग गईयां। सतगुरु जी ने सारिआं नूं हौसला दित्ता, बाबा श्री चंद जी महाराज नूं सद्दिया। बाबा लक्ष्मी दास जी कहण लगे सद के लियाओ कि असी जाना है, वह भी साढ़े पुत्र है, मिल लैण। किसी कारण करके बाबा श्री चंद जी महाराज ते बहुत लोग उंगलां रखते हैं, गुरमुखों पंथ चलते, उन्होंने नमस्कार है ऐसे पुरखों, ऐसे पुरखों से तो उंगली रखनी बड़ी माड़ी गल है। उन्होंने पुत्र सन, सारा ही गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बीड़ां लिखियां, सारा प्रचार सिख पंथ दा उदासियां ने कीता। वो बाबा श्री चंद जी महाराज किसी कारण ना आए। असी तां इह गल नहीं कह सकते कि ऐ नहीं कीता, ओ नहीं कीता, गुरु नानक नूं मन्निया नहीं, असी नहीं इह गल्लां कर सकते। उन्हां दे पुत्र सन, बड़ियां बड़ियां पावरां सन, कोई उन्हां ने ऐसा कौतक बरतौना होगा। फिर जाके जदों गुरु नानक साहिब शरीर छड्ड गए, बाबा श्री चंद जी महाराज ना आए, बाद विच आके बाबा श्री चंद जी महाराज, बाबा लक्ष्मी दास जी आके बहुता रोए, बहुत रोए, रो के बाबा श्री चंद जी महाराज कहण लगे, पिता जी जे किते सानू पता हुंदा असी आ जांदे, चार घड़ियां तुहाडे नाल बैठ के बचन कर लैंदे। सतगुरु जी उठ के फिर बैठ गए, कहिंदे बच्चा तुसी चार घड़ियां मंगियां, चार जोग मंग लैंदे, असी जाणा ही नहीं सी तुहाडे कोलों, कर लो जिहड़े बचन करने आ। सारे बचन कीते, माता जी, माता सुलक्खणी जी आए, महाराज गद्दी तां तुसी लैणा जी नूं अपने सेवादार नूं देती आ, इह तुहाडे पुत्तर है। कहिण लगे इहनां दे पंथ चलणगे, गुरु के करके पूजे जाणगे, इन्हां दी पूजा संसार करेगा। अज तक उन्हां दे परिवारां दी पूजा हुंदी है, इन्हां दे पंथ चलणगे, इन्हां दी पूजा होवेगी, गुरु के करके पूजे जाणगे। जिहड़ी वस्तु सी उह तां जिहड़े निरंकार वल्लों हुक्म सी पिछों उहनूं मिलणी सी। सो गुरु नानक साहिब जी महाराज अपना शरीर अलोप कर गए, केवल चादर बंडी गई। गए नहीं कह सकते, आपां शरीर अलोप करिया कह सकते हैं। उही शरीर अलोप जिन्हां दा दिन तुसी मना रहे हो, श्रद्धालु गुरमुख इन्हां महापुरशां दा भी शरीर वैसे ही गया। बाबा जी दसदे हुंदे इन्हां परिवारां नूं सारा पता, लम्मी चौड़ी बचन करन दी जरूरत नहीं है। वह भी शरीर अपना जिथे मर्जी अलोप कर लेंदे सी, जिथों मर्जी प्रगट कर लेंदे सी, जिथों दुनिया याद उन्हां नूं। जिहड़ा गुरु नानक साहिब जी ने अजित्य रंधावे की गोष्ठ विच लिखिया सी कि अजित्या 74 जामे गुरु भगतां दे रूप विच आवेगा, 10 रूप प्रतख होवेगे, जिन्हां नूं जणावांगे जाण लैणगे। उन्हां 74 रूपां विचों एक शरीर, जिस शरीर का तुसी अज दिन मना रहे हो, उन्हां नूं गुरु नानक का स्वरूप कह लो, गुरु नानक कह लो। जिन्होंने मन्या उन्होंने पता लगा गुरु नानक का स्वरूप ने, उन्होंने जिन्होंने दिखा लेना सी सारिया जिंदगियां उन्होंने अस्थाना ते सेवा नूं ला गया, सारी सारी जिंदगी इन्हां दे सेवक सन। सुल्तानपुर के नेड़े पिंड है एक ढंडोवाल, उन्हां दा नाम सी ठाकर जी, चंगे महापुरश सन। उन्होंने अपना प्रण कर लिया कि मैं जिन्ना चिर गुरु गोबिंद सिंह साहिब के दर्शन नहीं होंगे मैं प्रशादा नहीं छकना। 3 महीने घूमते रहे, प्रशादा नहीं छकिया। 3 महीनों तो बाद जिन्हां की याद तुसी मना बैठे हो, इन्हों का मिलाप होया।
सामने खड़े हुए, सामने खड़ा बाबा ठाकर जी सामने खड़े सन। कहन लगे रोटी नहीं खांदा। कहिंदा जी महाराज मैं प्रण किया दसवें पातशाह जी के दर्शन जिन्ना चिर होंदे नहीं मैं उन्ना चिर प्रसादा नहीं छकना। कहिंदे अखां मीट, खड़े नूं कहिंदे अखां मीट, खोल दे अखां। अखां खोलियां सामने दसवें पातशाह खड़े नठ के पैरां ते डिपया। 12 साल लकड़ियां दी सेवा कीती हरखोवाल स्थान ते, जंगल विचों लकड़ियां लिया लिया के 12 साल लकड़ियां दी सेवा कीती। जिन्हां नूं दिखा लिया मैं कौन हाँ, जिन्हां नूं दिखा लिया मैं कौन हाँ, वह सारी सारी जिंदगी उत्थे ला गए। बाबा जनक सिंह जी बड़ी सेवा कीती, सारी जिंदगी सुवासां तक नभा गए। एक दिन खेतों में कहिंदे तुरे जाते जाते उन्हां दा ध्यान धर लिया, ध्यान धर के कहिंदे सामने खड़े हो गए। कहिंदे जनक सिंह पुत तैनूं पता मैं कित्थों आया, गाहां वास्ते मेरा ध्यान ना धरिया करो, नहीं तां तुहानूं शब्द दस्सिया शब्द का ध्यान धरिया करो। तैनूं पता पुत मैं कित्थों आया, कित्थे मैनूं चेते कीता, जिथे याद करो हाजर जिहड़ा ब्रह्म है। ब्रह्म हर एक जगह ते सर्व व्यापक है। उहनूं कहिंदे जिहनूं ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, बाकी महापुरश सारे चंगे ने, किसी नूं कुछ हद तक अफसर ने गौरमेंट दे, किसी की किन्नी रेंज है, किसी की किन्नी रेंज है। एक को राजा, एक को सारी है पावर है, एक सारिया तो उत्ते है। इस तरह महापुरशां दियां अपनियां अपनियां पढ़ाई है, वह पढ़ाई के मुताबिक उन्होंने दर्जे दिते जाते। बड़े सत्कार तखर ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच, साध है, संत है, गुरसिख है, गुरमुख है, भगत है, ब्रह्म ग्यानी है। ब्रह्म की विद्या कोई जिहड़ा मर्जी पढ़ लवे, जिहड़ी मर्जी जात का पढ़ लवे, चूड़ा पढ़ लवे, जट पढ़ लवे, ब्राह्मण पढ़ लवे, उहनूं ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ब्रह्म ग्यानी हो गया, परमेश्वर हो गया। उही पढ़ाई जिहड़ा मर्जी पढ़ लवे, वाल्मीकि जी ने पढ़ लई उत्थे बैठ गए। भाई होरना ने, बाबा रविदास जी ने, भगत रविदास जी ने पढ़ लई, वह भी गुरु ग्रंथ साहिब विच आ के बैठ गए। जिन्नी पढ़ाई कोई पढ़ता है उस पढ़ाई मुताबिक उहनूं अहुदा दे दिंदे। इस तरह संत महाराज जिन्हां दी याद मनाउण बैठे हाँ, उन्होंने भी ब्रह्म ग्यानी का दर्जा बहुत संगतां ने दिता है। ब्रह्म ग्यानी का दर्जा संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले मैनूं एक दिन बचन करके कहन लगे, बहुत शरदा सी उन्हां दी। मैं उन्हां दे मूहों कदी भी नाँ नहीं सुनिया, असी तां नाँ लै दिंदे बहुत वारी। वो एडा सत्कार करते सी, मैं उन्होंने मूँह तो जिन्ना चिर भी मैं दर्शन किए कभी उन्हों का नाम नहीं मूहों लैके उन्हें नाम वचन किया, कभी मूँह तो यह नहीं कहा, नाम नहीं लिया। इन्हें वचन करना संत महाराज जी हरखोवालिए। संत महाराज जी एक दिन मैनू कहिंदे हुण तोली ताकत सी, कहिंदे को नाप तोलना सी है किन्नी क पावर है, कहिंदे हुण तोली ताकत सी, बाकियों तो नाप तोलती होगी, कौन तोली सी पता नहीं किन्नी पावर सी। जिन्हों मर्जी दृष्टि करके अमृत दृष्ट पेखे हुए संत, बाबा जग्गा सिंह जी बहुत लम्मा टाइम डेरा संतगढ़ हरखोवाल की श्री मानी की है प्रबंध किया। एक दिन तैयारी करके जो तुरन लगे कहते महाराज मैं हजूर साहब न जाना, महाराज पलंगे ते बैठे सी। कहिंदे काका की करन जाना हजूर साहब, अपना काम करो सेवा करो। कहिंदे महाराज मैं दसवें पातशाह दे दर्शन करन जाना। कहिंदे बह जा, आप पलंगे ते बैठे सी सामने। बाबा जग्गा सिंह नूं कहा बैठ मार ले चौंकड़ी, चौंकड़ी मार के कहिंदे अखां मीट, अखां मीट, कहिंदे अखां खोल दे। खोल के अखां जब देखियां बाबा जग्गा सिंह ने सामने दसवें पातशाह बैठे आ, नठ के पैरां ते डिग पिया। कहिंदे पुत इट्टां शहर देखिया, तीर्थां ते इट्टां इदां दियां ही आ, उत्थे नाम दी महिमा आ। जिथे किसी महापुरश ने नाम दी कमाई कीती उत्थे नाम दी महिमा, नाम दी महिमा करके तीर्थ ना बन जाओ। तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, दस पुरब सदा दसहरा, ओ नाम हर का सदा जांचो देहो प्रभ धरनी तरह। एडी वड्डी पावर, जदों महाराजा रणजीत सिंह दा राज,
जिहदा जिक्र अज भी दुनिया के इतिहास में लिखा हुआ है। बड़े बड़े अमरीका वर्गे मुल्क जिन्होंने ये गल की मंग की कि हरी सिंह नलूए का बुत सानू दिता जाए तो असी वाइट हाउस के अमरीका के वाइट हाउस के सामने लाया जाऊगा। दुनिया को असी गल दसनी चाहते हैं कि कोई एक जरनैल होया दुनिया का जिन्हें अफगानिस्तान फतेह किया, नहीं तो बड़िया बड़िया ताकत रूस वर्गे अमरीका वर्गे जोर ला के चल गया अफगानिस्तान फतेह नहीं होया। ऐसे सिख राज दीआं गल्लां महापुरशां दी बदौलत सिख राज दुनिया विच होया। बाबा साहब सिंह जी बेदी ऊना साहब जिथों ये संपर्दा आई है उन्होंने थापड़ा दिता सी महाराजा रणजीत सिंह नूं, 40 साल राज कीता महापुरशां दे अनुसारी हो के और धर्म दा राज कीता। दुनिया अज भी चेते करदी है उस राज नूं, उस राज दा जदों अंग्रेज़ां ने उदों तों बाद 10 साल उन्हां दे पुत्तरां दा फुट पा के राज नूं संभालिया। अंग्रेज़ां ने सोचिया कि जे सिखी हुण ना उपर मुड़ के रोकी ना ये मुड़ के फिर साढ़े ते भारू हो सकते है। उन्होंने फिर उस वेले सिख कौम नूं थल्ले करन दी डाउन करन दी कोशिश कीती ते सिख धर्म नूं हर संभव कोशिश कीती पे किसे तरीके मुड़ के उठ ना सकन। गुरमुखो उस वेले एक टीम उठी है महापुरशां दी, ये टीम ऐसी उठी है एको बारी टीम आई है जिन्हां विच बड़े बड़े महापुरश संत बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तू आने वाले जिन्हां दा खास तौर पर जिक्र है 20वीं सदी के महापुरशां दे विच। उन्होंने सीधिया धारणा नाल कीर्तन करके मालवे की धरती नूं उतारिया। जिहड़े लोग गलत बोलियां बोलते सन पुठा बोलते सन नाम दे नाल जोड़े अपनी अपन ड्यूटियां लैके आए। संत बाबा आनंद सिंह जी महाराज नानकसर वाले ये भी उस समय ते आए। इन्होंने दुनिया के लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सेवा करनी दसी कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक का स्वरूप है, भावना ना प्रशादा रखिया करो, भावना ना सेवा करिया करो, यही गुरु नानक है। होर गुरु नानक नूं तुसीं कित्थों लभोगे, तुहाडे कोल गुरु नानक है। और वो मिसाल अज तक भी उन्होंने है, जिनी सेवा उन्होंने की गुरु ग्रंथ साहिब जी की अज तक किसी संपर्दा इन्नी सेवा नहीं हुई। उन्हां तो बाद एक महान शख्सियत जिन्हां दी याद मना रहे हो, इन्होंने सेवा की, एक बड़ा बड़ा काम किया दुनिया के अंदर सिख धर्म की, जिहदी अज बड़ी महान सिख धर्म दे अज जिसे बहुत बड़ी महानता सिख धर्म की है तो लंगरां की है। बाहरले कनेडा वर्गे मुल्कां च एक गोरे ने एक गोरे की दुकान तो ब्रैड चक लिया, जिहदी दुकान तो ब्रैड चकिया उन्हें केस कर दिता अदालत विच भी मेरे को चोरी इन्हें ब्रैड चक लिया, पैसे दिते होणगे ब्रैड दे तां पता नहीं शायद उन्ने पैसे होण जां ना होण। वो जदों जज दे पहुंचिया गोरा जिन्हां केस जिहदे ते होया सी, वो जज पुछण लगी तू क्यों चकिया बई वह ब्रैड, वो कहिंदा जी मैनूं भुख लगी हो सी। वो गोरी जज कहण लगी अगे तो भुख लगे, दुकान तो नहीं सौदा चकना, उतों थोड़ी दूर जाके अगे सिख टैंपल है उत्थे फ्री फूड दिंदे आ, उत्थे जाके खा लिया कर। सिख कौम दे विच महानता सब तो बड़ी सारिया धर्मां नालों लंगर दी है। ये लंगर की मर्यादा इन्हां महापुरशां ने कायम की है, संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखो वालियां ने, अज भी वह मर्यादा बाबा अवतार सिंह चलाई जा रहे हैं, बाबा शादी सिंह चला रहे हैं। ननकाणा साहब जाना उदों दा साधन भी है नहीं सी, गड्डियां ते समान ले जाना ते लंगर लाउणे, लंगर बाद विच ही लगे आ साध संगत, लंगर बाद विच लगे आ सारे। हुण तां लोक खाण तों डर के दूजे पासे नूं लंघदे, अगे तां लंगर लभदा नहीं सी। आनंदपुर साहब भादों दी मसिया तरन तारन जाना उत्थे लंगर लाउणा अज भी लगदा है। चमकौर साहब लंगर लाउणा शुरू कीता, फतेहगढ़ साहब लंगर लाउणा शुरू कीता, आनंदपुर साहब लंगर लाना शुरू किया, अपने सेवकों ड्यूटियां लाइया, लंगर की महानता कायम किया। तो संत महाराज हरखो वालिया ने जिहड़ी लंगर की महानता करके अज सिख कौम की महानता है दुनिया के अंदर, किसी धर्म के अंदर लंगर की महानता नहीं है। मैनू एक दिन बाबा जानक सिंह कहन लगे उदों
हाले प्रशा लंगर हुंदा नहीं सी किते भी जदों होला महला लगता सी। कहिंदे उदों बिरला बिरला प्रसादा किते लभदा सी, लभदा नहीं सी। संत महाराज आनंदगढ़ साहिब दे किले बैठे सन, कहण लगे काका तुसीं अज केसगढ़ लंगर बरताई जायो, छकियो ना। जे छकना होया तां कहारपुरियां दे बुंगे जा के छक लियो, उत्थे ना छकियो। सारी दिहाड़ी प्रसादा लंगर बरताई जायो, सारी दिहाड़ी प्रसादा बरताउंदे रहे। बाबा जनक सिंह जी, बाबा संता सिंह, मैं बाबा संता सिंह जी दे बचन मूहों सुनिया ए, ते बाबा जनक सिंह जी दी रसना तो भी मैं सुनिया। शाम नूं जद वेले हो के बैठे महापुरश, फिर बचन करदे हुंदे सन, कहिंदे लओ भाई अज असीं खालसे दा काल कढ दित्ता, जिहड़ा 250 साल दा गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज दा सिखां नूं सराप होया सी, अज असीं बख्शा दित्ता। उहदे तों बाद लंगर शुरू होए आ। इह वड्डी महानता बाबा ज्वाला सिंह साहिब जी दी है, जिन्हां दी तुसीं याद मना रहे हो। अज दुनिया दे अंदर बड़े बड़े लंगर है चलदे, आज जद कितें दूजियां स्टेटां विच भी भीड़ बई आ सिख कौम पहुँची है, जद कितें हड़ां नाल दुनिया डुबी आ सिख कौम पहुँची है। पदार्थ वाधू कर दिते उत्थे, दुनिया के सामभण खुणों रह गए। एडी महानता ये बख्शिश की है बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने, इन्हों की महानता है। सिख कौम के अंदर सब तो बड़ा कार्ज इन्होंने किया। दो महापुरश बाबा आनंद सिंह जी महाराज, उन्होंने अपनी ड्यूटी की, बाबा आतर सिंह जी महाराज मस्तुआणे वाले ने अपनी की, बाबा गुरबचन सिंह जी पिंडर वाले, उन्होंने पिंडा में घूम घूम के कथा कीर्तन किया। कथा कीर्तन कर करके लोगों नूं कथा दे नाल जोड़िया, गुरु दे ग्रंथ साहिब जी दे नाल जोड़िया, और कथा उपदेश करके गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा उपदेश करके बहुत सारियां संगतां नूं ज्ञानी भी बनाया। जिहड़े बड़े बड़े अज विद्वान लोग उन्हां दे चरणां चों भरोसाए हुए आ, ये बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज दे चरणां विचों उन्होंने बख्शिश की। ये सारे महापुरश गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज की ड्यूटी लैके आए सन, जिहड़ी अज महानता सिख कौम की है। मुड़ के 80% जिहड़ी आ सिखी है महापुरशां दे नाल जुड़ी हुई है। अज तां गल्लां जिन्हां नूं महापुरश कोई मिलिया नहीं, गल्लां वो करदे आ। जिन्हां नूं एक बार दर्शन हो गया दिखाल दिता, वह तां मुड़ के बोले ही नहीं। उन्होंने तो कहा गुरु नानक ही यह है। ये परिवार भी इन्हां तां बहुत पिछे तो जुड़े हुए है, होर भी इन्हां दे नाल संबंधी जिन्हें रिश्तेदार है सारे जानते हैं। वो जान लगे बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वालिया नाल जोड़ गए सन, भाई थानू नेड़े पैंदे बाबा अजीत सिंह नथलपुर वाले, उत्थे चले जाया करो, मत लैनी है कि तो मिल जाए। ये नहीं सी कि मेरी संगत दूसरे पासे ना जाए, भाई चल जाया करो महापुरशां दे दर्शन करिया करो। एक बारी किसी ने बेनती की महाराज कीरतपुर साहब दर्शन करिए जी, कहिंदे जायो भाई। कहिंदे छेवें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने तकिया, मेरे सिख की कां कुत्ता भी हड्डी लिया के कोई पा दूगा, मैं उहदी संभाल करूँगा, तुसीं जींदे जायो, जींदे दर्शन करिओ। इही पतालपुरी है जिथे सतयुग दे विच बल राजे नूं भगवान ने पताल नूं लाया सी, वह जगह छेवें पातशाह जी महाराज ने प्रगट की सी। इत्थे बल राजा पताल नूं लाया सी, जिथे महाराज ने फिर पताल विच बल राजे नूं राज दित्ता सी। छेवें पातशाह जी दे टाइम ते पतालपुरी तों जिहड़ा रस्ता सी पताल नूं थल्ले नूं जांदा सी, और पताल विचों शेषनाग आ के बैठ के महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज दे दीवान विच नत्था ते अब्दुल्ला दोनों दा ढाडियां दीआं बारां सुणदे हुंदे सन, ते अपना सरूप नौजवान बना के शेषनाग आ के बहिंदा हुंदा सी विचों पताल दे। ते इन्हां महापुरशां दी याद तुसीं मनाउण बैठे हो गुरमुखो, जिन्हां जिन्हां ने दर्शन भी कर ले। एक बार किसी ने कहा महाराज संत दे जाण तों बाद भी संत अपने सेवकां दी संभाल कर सकदा, कहिंदे संत जी जे संत जा के मरन तों बाद भी संभाल सेवकां दी ना करे फिर जीवे होया ब्रह्म ना होया। फिर जिहड़ा ब्रह्म है वह तो मरदा ही नहीं, कित्थे जिथे मर्जी तुसीं याद करो उत्थे ही है। ब्रह्म दे विच जदों लीन हो गया, ब्रह्म पाणी दे विच पाणी बढ़ गया पाणी है, गंगा दे विच गंगा जदों समुद्र च पै गई बाहरों बाज मारू गंगा बाहर आ जावे कदी आउंदी है। गंगा जमुना गोदावरी नदियां
दिन रात तुरियां आ समुद्र तक पहुँच के उत्थे जा के बिच लीन हो जांदियां मुड़ के पानी उन्हां दा सरूप उही हो जांदा। उस नौवें पातशाह जी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गुण दसे आ जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सुनियार पै नहीं जाके कंचन माटी माने जो दुख विच दुख नहीं मानता तो सुखां दी परवाह नहीं करता सुखां नाल प्रेम नहीं करदा पराए तन नूं सोने नूं मिट्टी बराबर समझदा ये ब्रह्म महापुरशां दी ब्रह्म इज्जत बारह हरख वालियां विच सारे गुण सन जिहदी मैं व्याख्या करां चंगी बहुत लंबा टाइम लग जूगा। ये उन्हां दे विच गुण सन जिहड़े गुण जिहड़े उन्हां दे नेड़े रहिंदे सन उन्हां दे नेड़े रहण वाले बहुत सारे गुरमुख उन्हां दे सरूप होए जिन्हां ने उन्हां दी संगत कीती बड़े बड़े महापुरश उन्हां तों बरोसाए मंजियां बख्श दित्तियां पटियाले वाला एरिया बाबा शादी सिंह नूं देता आनंदपुर साहिब तक ओ परे किला अटलगढ़ मकेरियां दा इलाका बाबा हरी सिंह नूं देता तलवाड़े दा एरिया बाबा करम सिंह गेरे वालियां नूं देता ऐदा मंजियां बख्श दित्तियां जगह जगह ते आप किसे जगह ते एक सूई समान भी जगह अपने नाम ते नहीं सी उन्हां दे नाम ते ना तां बैंक दी कोई कापी सी ना कोई मरला जमीन दा सी ना कोई जमीन दे कापी सी ना कोई बैंक दी कापी सी ना कोई गड्डी दे कागज़ सी कोई भी चीज़ दुनिया में उंगली रखण नूं है नहीं सी जिहड़ी उन्हां दे नाम ते सी। कई वारी जेब खाली होनी कहना इदां तुर पैना एक बार कहिंदे मैं तुर पिया पैसे है नहीं सी गड्डी रेल गड्डी जाना सी रास्ते विच दो चार शरधालू आए कहिंदे महाराज किथे नूं चलें जी वो पैसे चढ़ा गए कहिंदे उत्थे स्टेशन ते जा के टिकट लै लिया जिन्हां दे अगे पिछे माया तुरी फिरदी सी। बाबा जनक सिंह जी महाराज एक बार कहिंदे माया दी जरूरत सी कहिंदे पंज सत बंदे आए माया चढ़ा के महाराज दे मूहरे चले गए कहिंदे मैं कहा महाराज ये बंदिआं नूं तां असीं जाणदे नहीं आ ये बंदे कौन है जिहड़े पैसे चाढ़ के गए आ कहिंदे जनक सिंह भी आए सी सेवा माया देण आए सी कहिंदे तैनू पता माया कित्थों आई आ कहिंदे महाराज नहीं जी कहिंदे उरे इहनूं हो दिखा लईए। बाबा जनक दे सिंह दे सिर ते हथ रखिया मूहरे बड़े बड़े अंबार लगे हो नोटां दे ढेर लगे हो एक माई गल च पल्ला पा के नीवी पा के खड़ी हथ जोड़ के कहिंदे माया इत्थों आई आ माया दासी भगतां की कार कमावै माया उन्हां दे अगे पिछे तुरी फिरदी सी बड़े बड़े ढेर लग जाने उत्थे ही छड जाने बाबा कल्याण दास जी दसदे हुंदे सन कहिंदे बड़े बड़े ढेर लग जाने फलाने गुरद्वारे छड्डियो फलाने गुरद्वारे समान पहुँचा दिओ भाई साढ़े ही गुरद्वारे आ। सो उन्हां दी याद विच किन्ने सालां बाद बारी आई है इत्थे बाबा अवतार सिंह जी भी मेरी सेहत भावें चंगी नहीं सी पर चलो महाराज ने बल बख्शिया तुहाडे दर्शन करने सन कोई लम्मा समा बीमारी नूं चल गया इस करके भाई थोड़ा जिहा शरीर किहा नहीं करदा सी इस करके जिन्ना कु भी समा सतगुरु जी ने बख्शिया सोरठ महला पहला जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे बचन है जिन्नी एक मत बुद्धि महापुरशां ने दित्ती है है तो मत बुद्धि परमेशर दी अपनी तो कोई लैके नहीं आया जिदा जीवन बुलाउंदा बोली जांदे आ एक है परमेशर दी मत एक हुंदी अपनी मत जिहड़ी परमेशर दी मत है वह गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है जिहड़ी अपनी मत है वह लोग अपनी अपनी लैके तुरे फिरदे लड़ी जांदे नेटां ते इहनां नूं ना सुणिया करो नेटां ते कोई कुछ बोलदा कोई कुछ बोलदा वह मूँह ना निंदिया करके पीते थानू कन्ना ना पला देंदे आ इहनां नूं सुणिया ना करो थानू पाप दे भागी बना देना इन्हां ने। गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान जिहड़ा है उही लिया करो भाई गुरखो इहदे नालों इहनां नूं ना सुणिया करो ये तो सारे एक दूए ते चिकड़ सिटी जांदे ओ नहीं चंगा ओ नहीं चंगा कदी महापुरशां ने भी किया कदी बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वालिआं दे मूहों कदी सुणिआ वे फलाना संत नहीं चंगा जां फलाना महापुरश नहीं चंगा वो महापुरश सारिआं नूं ब्रह्म समझदे सन इस करके गुरु ग्रंथ साहिब दा जिहड़ा ज्ञान है उही ज्ञान सही है जिहड़ा गुरु नानक साहिब दा है बाकी ज्ञान तो अपना अपना ठीक है बहुत महापुरशां दे भी ज्ञान है ग्रंथ है बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं
बड़े बड़े महापुरशां ने ग्रंथ लिखे है, धार्मिक ग्रंथ है, उन्होंने भी ज्ञान तो मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जन देव महाराज ने ज्ञान लिख दिता। भंडारा सोरठ महला पहला, सोरठ रागणी आ, सोरठ गौंड मलारी धुनी, पुन गावै आसा गुण गुनी, ऊचै सुरसूहो पुनकीनी, मेघ राग सिंह पंचो चीनी। मेघ राग की स्त्री है, सोरठ रागणी है। रागी सिंघां नूं कहा भी इस नूं तुसीं इस राग दे विच कीर्तन करना। उत्थे हरिमंदर साहब रौला इसे गल दा पैंदा सी, उह कहिंदे तुसीं इन्ने पैसे लैंदे, कम से कम राग टाइम दा तां पढ़िया करो कोई। यह रौला चलदा सी उहनां दा। राग विद्या के बड़े बड़े जाणू महापुरश होए आ। रागी प्रेम सिंह होया आनंदपुर साहब की धरती से, रागी बाग दे विच उहदी समाध बनी हुई है। महाराजा रणजीत सिंह दे टाइम ते वह कीर्तन करता हुंदा सी। महाराज रणजीत सिंह ने कहा सी मैं कीर्तन सुनना। उन्होंने कहा भी कल नूं आयो चिट्टे वस्त्र पा के। सारे चिट्टे वस्त्र पा के आए तां फिर जदों उन्होंने बसंत राग गाया तो सारयां दे कपड़े बसंती कर दिते सन। राग विच बड़ी पावर है। ये रागां दे विच सारी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी रागां च है। बाकी बाणी गाउण दी हदायत कीती है। एको ही बाणी राग तो बिना गुरु ग्रंथ साहिब विच जिहड़ी जपजी साहिब है वो जपण वास्ते है, बाकी सारी बाणी रागां विच है। गुरबाणी गावो भाई, जपजी साहिब जपण वास्ते हदायत कीती आ। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भेखारी जीओ। तू प्रभ दाता दान मत पूरा। दाता वो हुंदा जिहदे कोल कोई चीज़ थोड़ ना जावे। जिहदे कोल सारियां चीज़ां ना मिलन दाता नहीं हुंदा। किसे कोई चीज़ है देती उह दाता कहण लग गया, ये नहीं गल है। जिहदे कोल सारियां चीज़ां मिल जाण एक कोलों, एक तां महाराज तू प्रभु है, तेरे तो वड्डा दाता कोई नहीं है। दान मत पूरा, एक मत भी तेरे कोल पूरी है। होर किसे कोल संसार विच बड़े बड़े महापुरश होए है, बली कंधारी वर्गे जिहड़े चक के पहाड़ नूं थल्ले सट दिंदे सी, वह भी गुरु नानक साहब के चरणां च जदों पहुँचे फिर माफ़ी मंगी सतगुरु नानक देव महाराज तो। साहब कहण लगे इन्नी पावर पा के, इन्नी कमाई करके, इन्ना हाले क्रोध तेरे विचों गया नहीं है। समुंदर नूं अग लगी कदी देखी है? जे लग जाए तो बुझदी नहीं है। संत नूं तां गुस्सा चढ़ना ही नहीं चाहिए, तैनू गुस्सा कितना चढ़ गया? तेरे अंदरों हाले गल गई नहीं है। मुसलमान है, ए हिंदू है, ये अंदरों तेरी गल हाले गई नहीं है। ये तो जदों परमेश्वर की मत आ जाए वो अंदरों सारिया गल्लां निकल जांदियां। हिंदू सिख मुसलमान सब एको ही है। बली कंधारी पैरां ते डिगया, कहिंदे महाराज बख्श लो जी। कहिंदे हुण नहीं समा आए ते बख्शांगे। काजी जीवन ने लत मारी गुरु नानक साहब दे, भावें मक्के दा काजी सी ओ, छोटा काजी जीवन सीगा, वड्डा राजी रुकनदीन सीगा। ईरान दे एक मुसलमान ने गल लिखी है, ताजुद्दीन मुसलमान है जिन्हें गुरु नानक साहब के दर्शन किए है। उन्हें अपनी किताब विच ये गल लिखी है वे गुरु नानक देव महाराज ईरान विच बैठे सी, मैं भी पहाड़ी ते गया, मेरा नमाज का टाइम हो गया, मैं कहा मैं उजू साजना। कहिंदे सतगुरु जी कहिंदे पानी इत्थे तैनू दे दिंदे आ। कहिंदा नाल मरदाना भी सी, बाला भी सी, तिन्ने सी ते मैं भी बैठा सी। कहिंदे बहुत बचा के बट्टा चक पानी मोरे पत्थर चक पहाड़ी ते बैठे सी। कहिंदे वो पत्थर चक्किया पानी दे सौंप निकल के गुरु नानक साहब के चरणों से जाके डिगया तो फिर दूजे पासे नूं गया। कहिंदा मैं कहा ये कोई बड़ा पावरफुल पीर है, जिहड़े ख्वाजे वर्गे भी इन्हां दे चरणों से जा मत्था टेकदे आ। उन्हें बहुत कुछ अपनी किताब विच लम्मा चौड़ा लिखिया। उन्हें लिखिया भी काजी जीवन ने आके झाड़ू फेरदा सी जदों गुरु नानक साहब ने, कहिंदा मैनू नाल लै गए सी गुरु नानक साहब। कहिंदा फिर मैं काजी जीवन ने झाड़ू फेरदिया फेरदिया देखिया एक बंदे दियां लत्तां मक्के आलू आ। उन्हें जाके माड़ा बोलिया। साहब कहन लगे मैं तो थकिया होया सी, जिधर तेरा गुरु रब का कार नहीं उधर नूं कार दे। लत्तां चक के परे नूं करतियां तो फिर झाड़ू फेरन लग गया। जब मुड़ के फिर देखिया मक्का लत्तां वाले नूं, वो कहिंदा फिर उन्हें लत्तां चक के परे कीतियां। दो तीन बार आया वो फिर झाड़ू फेरन लग जांदा सी।
फिर जद उन्हें देखिया उन्हें कहा यह तो मक्का ही घूमी जाता है, इहदियां लत्तां तां उत्थे ही पईआं। फिर उन्हें कहा जी हुण महाराज नूं बेनती की, महाराज मैनूं अल्लाह चेते आवे, कहिंदे तेरे अल्लाह मन च बस जूगा, उहनूं तां किरपा होगी काजी जीवन नूं। काजी रुकनदीन आया 150 बंदा लै के, उन्हें दसिया 150 बंदे दे पैर धरती नाल जुड़ गए। कल्ला ही रुकनदीन आया, फिर वो पैर माड़े मोटे हिले जाके गुरु नानक साहब के चरणों पर मत्था टेकया। एडे बड़े अस्थान की सेवा करने वाले वो भी भुल गए, मत है नहीं सी, मत जिहड़ा गुरु की लैके परमेश्वर की मत लैके आया, ये चीज़ वो को मिलती है, दूजियां को नहीं मिलती। जिस धर्म को मैं मनदा नहीं किसी को कहिंदा, जिस मत को जिस धर्म को सारे मुसलमान कौम रब का घर मनती है, उहदे सेवकां नूं उहदे सेवादारां नूं मत दित्ती गुरु नानक देव महाराज ने, गलती सी माड़ी मोटी कमी सी सही कर दित्ती। उहनां नूं इह नहीं किहा, उह कहिंदे ठीक है भाई तुसीं लगे रहो, पर रब सर्वव्यापक है, तुसीं इक पासे ना मन्नो, सर्वव्यापक है। सो सतगुरु जी कहिंदे तूं प्रभ दाता दान मत पूरा। कई कमाइयां करके बड़े बड़े पुरश भुल गए, उहनां नूं दान मत देण वास्ते गुरु नानक देव महाराज दा अवतार होया। वो मत फिर अगे तो अगे लै के बड़े बड़े महापुरश वो मत नूं अगे वंडदे रहे। हम थारे भिखारी जीओ महाराज, असीं तां मंगते हैं जी। किड्डा वड्डा भी राजा दुनिया च होवे परमेश्वर दा मंगता है, महाराज तेरे तो मत लैण आए हैं, भिखारी हाँ जी, बख्शिश कर दिओ, अपनी मत बख्श दिओ। जिहनूं परमेश्वर की मत आ जाए परमेश्वर वर्गा ही हुंदा, जिहड़ा मुंडा पे वाली मत लै लवे कहिंदे अपने पे वर्गा ही है, जिन्हों गुरु की मत मिल जाती वह गुरु वर्ग ही होंगे। मैं क्या मांगों के स्थिर ना रहा जी, हर दीजे नाम प्यारी जीओ। महाराज एक चीज़ लैदा फिर मुड़ के वो उकड़ रहनी है, शरीर छुट जाना इत्थे रह जानी, जिहड़ी चीज़ मंग ला वो सदा नहीं रहनी, सदा वास्ते ते परमेश्वर का नाम ही रहूगा, नाल भी उही जाऊगा। जे पेंडे महान दगवारा, हर का नाम सांगू जी आरा, जहाँ पंथ तेरा को ना सजानू, हर का नाम ते नाल पछानू। एक साल का टाइम लगता जदों बंदा शरीर छड़ जांदा धर्मराज की कचहरी तक पहुँचण दा। गरड़ पुराण छोटा जिहा ग्रंथ है हिंदू धर्म दे, जदों अंत समय ते वह पढ़ते है वो उहदे विच लिखिया होया भी एक साल का समा लगता जीव नूं, कईआं नूं कुट दे ले जांदे आ, कईआं नूं सत्कार नाल लै जांदे। उहदे विच दस्सिया भी किन्ना टाइम कित्थे तक लगता, किन्ना टाइम कित्थे तक लगता। कहिंदे एक नाम तो बिना होर दूजी को गल जानी नहीं है, जिहनूं इह मत आ गई। मैं बैठा सी बाबा जी दे इत्थे हंसाली, चंगी लंबी लाइन लगी सी, सब दुनिया भी मंगा मंगी गए, कोई कहिंदे मेरे मुंडे का नज़ला नहीं हटता, कोई कहिंदा साडी मझ नहीं मिलदी, की इह गल्लां। महापुरशां तों उह चीज़ मंगो जिहड़ी लै के आए हो। सारी लाइन के बच्चों एक बजुर्ग ने कहा जी नाम की दात बख्शो, एक बंदे ने, बाकी जे मझ अज मिल पे कल फिर लत्त मार ला पो, वो कहड़ा उत्थे पक्का सदा बात ही हो जाता। मुंडे का नज़ला दवाई लै लो, महापुरशां तो नज़ले लैके जाना। इदा दियां मंगा मंगनियां उन्होंने ज्ञान दिता है। मैं क्या मांगों के स्थिर न रहा जी, भावें संसारी पदार्थ मंग लो, बहुते धनी बंदे कहड़ा सुखी आ। तुसी धनी बंदा जिन्ना भी होवे उहदे कोल दो कड़ियां उहदे परिवार दे बंदे बैठ नूं राजी नहीं आ। जिहदे कोल 1000 रुपया होवे, जिहदा गरीब बंदा है उहदे बजुर्ग नूं उहनूं चक्की फिरदे आ, उहदे परिवार दे बंदे अंदर मंजा करदे आ, बाहर करदे आ। अमरीका दे विच ददार सिंह बैंस है प्रवासी भारतीयां विच सब तों इस वेले अमीर, 15,000 एकड़ जमीन है उहदी। वो हरखोवाल संत महाराज के स्थान पर मत्था टेकन आता हुंदा सी। इस वेले बीमार होया, बिरध आश्रम में जमा कराया, जिथे गरीब आदमी जमा किए उत्थे ही वो किया है। की लब्भा जे सारी जिंदगी परमेश्वर का नाम जपया हुंदा, जिन्ना साधु पुराना हो जाता दुनिया हत्थां ते चकदी है, जिन्ना गृहस्थी पुराना हो जाता उहनूं परिवार के बंदे बुला के राजी नहीं है, मंजा बाहर कढ दिंदे है। इस करके नाम जपण वाले महापुरशां की, नाम जपण वाले की महिमा सदा ही हुंदी है। वो भावें बुढ़े हो जाण उन्हां नूं फिर भी उन्हां नूं परमेश्वर भाई उन्हां दा भला करदा। नाम जपण वालियां दा सत्कार है सदा वास्ते।
हम थारे पखान। मैं क्या मांगो के थिर न रहाई, मारा कखियो जे चीज़ रहन वाली तो है नहीं। और दीजे नाम प्यारी जीओ, करम सिंह पुगल वर्गियां नूं दृष्टि करके परमेश्वर दे नाम नाल जोड़ दिता, जिन्हां ते कृपा कीती। कई बहुतियां नूं कृपा उदे ही बख्शिश कर दिंदे सी दृष्टि करके ही। कईयां नूं कई कई साल लग जांदे सी, भांडा देखदे सी कि अंदर भावना की आ। बाबा गुरबचन सिंह उन्हां दे घोड़ियां दी सेवा करदे हुंदे सी। एक दिन उन्हां दा भरा बीमार हो गया, नेड़े पिंड सी हुशियारपुर दे उन्हां दा। उन्हां दा वड्डा भरा आया, कहिंदा गुरबचन सिंह बड़े भरा दा पता नहीं है, उहदी खबर लै आ। कहिंदा महाराज नूं पुछ ला। उहदे भरा ने जा के आ, महाराज गुरबचन सिंह नूं भेज दिओ, उहदा वड्डा भरा बीमार ज्यादे आ। मोहरों कहण लगे, उहनूं कहि जां भरावां नाल मेला रख लवे जां साडे नाल रख लवे। उह फिर बाबा गुरबचन सिंह गए नहीं। फिर डेढ़ साल बाद कहिंदे तड़के 3 बजे एक दिन मैनू सद्दिया बाबा गुरबचन सिंह। कहिंदे मैनू सद के कहन लगे गुरबचन सिंह, कहिंदे 3 बजे मैं गया तां अंदर गल्लां करदे सी छन दे विच, जिहड़ी छन है उत्थे बज्जी हुई। जां मैं अंदर गया, कहिंदे कोई भी नहीं सी, कल्ले बैठे सी। ते मैनू कहिंदे गुरबचन सिंह तैनू मैं कहा सी जां भरावां नाल मेला रख लै जां साडे नाल रख लै। कहिंदा हाँ जी महाराज। कहिंदे आ पिछे तेरा भरा बैठा, इन्हां गल्लां कर ला। कहिंदा मैं देखिया जिहड़ा मेरा भरा मर गया सी उह बैठा, एक मेरी माँ बैठी, मेरा भरा एक साडी भूआ, कहिंदे छोटे हुंदिआं दी मर गई सी, कहिंदा उह वी विच बैठी। कहिंदे जद तेरा जी करे इन्हां नूं इत्थे आ के मिल लिया कर। जिहड़े ब्रह्म है उह जो मर्जी जिहनूं मर्जी मिला सकदे आ। उहनां दा बचन मनण विच ही गल है, जिहड़े बचन मन गए उहनां नूं बख्शिशां प्राप्त हो गईआं। जल थल मैहर गुप्त उबरते, गुरसाहब दी देख निहारी जीओ। जल विच थल विच सारी जगह ते गुप्त वरतदा। तुसीं देखो कलकत्ते तों बंदरगाह तों तकरीबन 6-7 किलोमीटर समुंदर दे विच मक्खण शाह दा जहाज़ फसिया होया सी। किथे बाबा बकाला साहिब दी धरती है ते किथे कलकत्ते दे कोल बंदरगाह विच उत्थे फसिया होया मक्खण शाह दा जहाज़। मक्खण शाह ने इन्ना ही मूहों कहा, जिहड़ा गुरु नानक साहिब दी गद्दी ते आ मेरा जहाज़ बन्ने ला देवे, मैं 500 मोर भेटा करूँगा। उत्थों ही हाजिर हो गए। सर्वव्यापक जल थल मैयर गुप्त वरते, जल विच भी है थल विच भी है, सारी सृष्टि विच है। वो कित्थों बाबा बकाला जी उदां जाना हुंदा, किद्दां चले जाना सी? उत्थों उरले पासे कलकत्ते जिहड़ा असाम दा तां बंगाल दे बार्डर ते इक शहर है, उत्थे हुण भी जगह बनी मुसलमानां दी। उह गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे नाम ते तेगा शाह फकीर सद्दे आ उत्थे। उत्थे गुरु तेग बहादुर साहिब आए सी तां उह मुसलमानां ने कहा महाराज नमाज़ पढ़ो जी। कहिंदे मेरी सेहत नहीं चंगी। कहिंदे की गल हुई? कहिंदे मेरा मोढा दुखदा। मुसलमान थोड़े हड्डियां दे कारीगर है। कहिंदा महाराज लियाओ मोढा थोड़ा सही कर दिंदे आ। जब उन्हें चगा चाह के देखिया तो उत्थे किल खुभी हो। कहिंदा महाराज तो किल खुभी होगा। कहिंदे इत्थे साडे इक सेवक का जहाज फस गया सी, वह बन्ने लाउण आए सी। उत्थे अज भी गुरु तेग बहादुर साहिब दी मसीत दे विच है जगह, उत्थे दुनिया मत्था टेकदी है। जल थल मैयर गुप्तो वरते, जिथे भी कोई याद करे उत्थे जाके प्रगट हो जाना, जिथे कोई चेते करे उत्थे जाके हाजिर हो जाना। अरदास कागरचित होके हो जाए, उहदे विच कोई होर गल ना फस जाए। जप जी साहिब की बाणी 39 पौड़ियां, कोई अंदर विच संकल्प विकल्प नहीं सी आया। इको ही पौड़ी विच जाके अंदर घोड़ा बढ़ गया। साहिब कहिंदे घोड़ा दे दिओ, छेवें पातशाह कहिंदे। सुरजन सिंह रागी जिन्हें आसा जी की बार हुण भी तुसीं पिंडां च सुणदे हो, बहुत सारे रागियां ने आसा जी की बार पढ़ी आ। टुंडे असराज की धुन ते केवल सुरजन सिंह ने लाई आ, उहदे वर्गी हाले तक कोई ला नहीं सकिया। उहदियां उदां हुण लोग मगर लग के उहदे मांगर गाउणा शुरू करदे आ, पर उहदे मांगर को गा नहीं सकिया। उहने कीर्तन कीता ते संत महाराज कहिंदे
ਜਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗੋਝ ਗੱਲ ਫੜ ਲੈਣੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਫੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਐਸਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਵੀ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੇਕ 'ਤੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨੱਠਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਵਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਏ ਗਿਰ ਪਰਾ ਪਰਾ ਕਰੇ ਜੇ ਛੇਕ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਲੱਤ 'ਚ ਲੱਗ ਜੂ, ਬੰਦਾ ਮਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ, ਬਾਂਹ 'ਚ ਲੱਗ ਜੂ। ਸੂਰਮਾ ਮਾਰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਨ ਸੂਰਮੇ ਸਾਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈੱਡ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੋਲੇ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬੜੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੋ, ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਪਾਠ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਫਲ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਰਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮੋਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸੱਦ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਕਰ। ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲਿਆ, ਅੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਭੇਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਛਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ? ਫੜ ਲੈਣੀ ਉਹ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੰਗਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਭੇਦ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ ਧਿਆਨੂ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੈਸੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ
समझदा सी भी शायद ना ही बोल होवे पर महाराज ने कृपा कर दिती बल बख्श दिता। सारा संगत का धन्यवाद है, तुहाडा बल बख्शिया होया, तुहाडी मत बख्शी हुई है संगत की, संगत तो ही संस्था लई है, संगत तो सेध लई है, विच संगत हरपड़ा बसे जीओ, संगत विच परमेश्वर आप बसदा है। सारिआं दा धन्यवाद जी, इन्ने बचन प्रवान करने, रसना नूं पवित्र करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।